नमस्कार, आप देख रहे हैं बोलता बिहार न्यूज मीडिया। एक दौर था जब नए साल, बर्थडे या अन्य त्योहारों पर एक दूसरे को ग्रीटिंग कार्ड देने की परंपरा थी, लेकिन अब सोशल मीडिया के हावी हो जाने से ग्रीटिंग कार्ड की अहमियत कम अथवा लुप्त होती जा रही है। ऐसे में गुरुवार को तेगरा के डॉन बॉस्को इंग्लिश स्कूलों के बच्चों के बीच नववर्ष 2024 के उपलक्ष्य में ग्रीटिंग कार्ड मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राएं उत्साहपूर्वक भाग लिया। आयोजित प्रतियोगिता का शुभारंभ अनुमंडल पदाधिकारी राकेश कुमार, विद्यालय के प्रबंधक संतोष मिश्रा ने संयुक्त रूप से किया। प्रतियोगिता के आर्यभट्ट हाउस, पायनी हाउस एवं कलाम हाउस के बच्चों के प्रतिभाग किया। उत्साहित छात्रों द्वारा हस्तनिर्मित नौ वर्ष के कार्ड को अनुमंडल पदाधिकारी को भेंट हेतु समर्पित कर नौ वर्ष की शुभकामनाएं दी। साथ ही हस्तनिर्मित ग्रीटिंग कार्ड की प्रदर्शनी का शुभारंभ से छात्रों के उत्साह और प्रतिभा की सराहना करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी राकेश कुमार ने कहा कि कार्डों में कला के वास्तविक रूप के दर्शन हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं है कि आप बाजार से महंगा सामान खरीदकर गिफ्ट करें, बल्कि आप घर पर ही डिफरेंट क्रिएटिविटी दिखाकर न्यू ईयर या अन्य फेस्टिवल में ग्रीटिंग कार्ड तैयारी कर सकते हैं। आयोजित प्रतियोगिता के आर्यभट्ट हाउस से आयुष्मान कुमार, दिव्यांका जया कुमार, पायनी हाउस के मोहम्मद अमानुल्लाह, नीतीश कुमार एवं अफसाना, वही कलाम हाउस से स्मृति शिवन अनुप्रिया प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर रहे। विजेताओं को अनुमंडल पदाधिकारी राकेश कुमार एवं विद्यालय के प्रबंधक संतोष मिश्रा ने ट्रॉफी एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया और नववर्ष के मनेजदार छात्र छात्राओं को बुराइयां छोड़ने एवं कड़ी मेहनत करने की शपथ दिलाई गई। संचालन करते हुए शिक्षक अशोक मिश्रा ने कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिता में भाग लेने से बच्चों का मानसिक, बौद्धिक एवं शारीरिक विकास होता। मौके पर शिक्षक गणेश प्रसाद, कन्हैया कुमार आदि मौजूद थे।